This video is powered by TunesGo. Check description for more information. दोस्तों आप सभी ने जैमर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और ऐसे में आप सोचते होंगे कि आखिर कैसे वो डिवाइस सभी तरह के कम्युनिकेशंस को रोक देता है। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे जैमर्स के बारे में ही बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी आप सुनते हैं जैमर के बारे में, यानी कि कोई ऐसा डिवाइस जो कि मोबाइल फोन्स के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है, उनका दोस्तों काम करना कंप्लीटली ठप कर सकता है या फिर किसी और तरह के रेडियो सिग्नल को दोस्तों जाम कर सकता है, अक्सर हम देखते हैं काम में आता है सिक्योरिटी में, तो हम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा ही कुछ हाईटेक डिवाइस है, मतलब यहां पर तो इसको बनाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इनक्रेडिबल, और ऐसे में जैमर तो मतलब बहुत ही कुछ कमाल का डिवाइस है। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि जैमर बहुत ही सिंपल डिवाइस है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, और यहां पे अगर आप चाहें तो आप दोस्तों अपना खुद का जैमर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहां पे दोस्तों इसका काम जो है वो ये कि ये इंटरफेयर करेगा सिग्नल्स के साथ में जो भी आपको मिलती है रेडियो वेव्स, फिर चाहे हम डिपेंड करते हैं मान लीजिए चाहे वो सेल फोन्स की हो, चाहे किसी और तरह की रिमोट की हो, चाहे किसी और तरह के कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क की हो, फॉर एग्जांपल चाहे कोई वॉकी टॉकी वगैरह भी है, और बाद में दोस्तों वहां पे उनका बेसिकली काम कर पाना एक तरीके से वो बंद सा कर देता है। अब ये जो दोस्तों सिग्नल जैमर है ये अलग अलग जगहों पे काम में आता है, अलग अलग पावर रेंजेस का होता है, और यहाँ पे जो कंसेप्ट है लेकिन वो सब में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अगर सेल फोन्स की, तो यहाँ पे ये जो आपका मोबाइल फोन है ये दोस्तों कुछ सिग्नल्स भेजता है आपके मोबाइल फोन टावर तक, और बाद में दोस्तों इसको टावर से मिलता है जवाब, तो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है नॉर्मली। और ये दोस्तों एक कंप्लीट डुप्लेक्स डिवाइस है, यानी कि आप यहाँ पे जो सिग्नल भेजते हैं और जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो दोनों दोस्तों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं, तभी तो आप बोलते हुए भी सामने सुन पाते हैं। वॉकी टॉकी में तो होता है पहले आप एक बार बोल दो फिर छोड़ दो फिर आवाज आएगी फिर आप बोलो, तो वो होता है वन वे, लेकिन दोस्तों ये जो है ये कंप्लीट डुप्लेक्स डिवाइस है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो भी सिग्नल आपके फोन से निकल रहे हैं मोबाइल फोन टावर की तरफ, मान लीजिए मेरे पास में साइट में ये एक और डिवाइस है और ये काफी पावरफुल है और इससे भी दोस्तों मैं सेम सिग्नल ही छोड़ रहा हूं, तो बेसिकली जो फोन से सिग्नल निकल रहा है जो सिग्नल इससे निकल रहा है वो दोनों आपस में दोस्तों हो जाएंगे इंटरफेयर और वो हो जाएंगे बिल्कुल एक तरीके से कैंसिल, तो फोन जो है वो टावर से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा, उसका सिग्नल जो है वो टावर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सिग्नल थोड़ा सा वीक हो तो फोन दोस्तों अपनी पावर बढ़ाएगा ताकि वो ज्यादा पावर से सिग्नल भेज सके, तो ऐसे केस में जो जैमर है वो भी अपनी पावर बढ़ा देगा, तो उसमें होगा ये कि बस जो फोन है वो हैंडीकैप से बन जाएगा, वो उस टावर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब यहां पे दोस्तों न सिर्फ फोन, अब फोन में आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या होती है, मान लीजिए 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है या 1900 पे कर रहा है या 800 या 900 किस पे भी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जैमर दोस्तों वो उन सभी सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा एकदम बेसिक चीजें, फॉर एग्जांपल एक रिमोट कंट्रोल्ड कार है, अब मान लीजिए वो दोस्तों काम करती है 96 मेगाहर्ट्ज़ पे या फिर दोस्तों वो जो है कोई ब्लूटूथ है वो काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, तो उनको भी जो जैमर है वो बड़े ही आराम से ब्लॉक कर सकता है। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सिक्योरिटी के अंदर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कई बार कुछ सेंसिटिव जोन्स है वहां पे कोई मोबाइल फोन काम करे, हो सकता है कहीं पे दोस्तों की रेड डालनी हो किसी को और वहां पे रेड के दौरान वहां पे जैमर्स लगाए जाए जिससे जो लोग अंदर हैं वो बाहर अपने और लोगों से कम्युनिकेट ना कर पाए, या फिर अगर कोई दोस्तों कॉन्वॉय कहीं पे जा रहा है तो वहां पे जो गाड़ियां हैं उनमें जैमर लगाए जिससे आसपास कोई भी ऐसा डेटोनेटर अगर कुछ लगाया हो आईडीज वगैरह तो वहां पे दोस्तों उनको ब्लास्ट ना किया जा सके, या इसके अलावा मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रैली वगैरह है तो वहां पे भीड़ में जो लोग हैं वो कुछ ऐसा गलत काम ना करें इसलिए जैमर लगाया जाए, मतलब जो चीजें हैं वो यूजेज अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी प्राइवेट जगहों पे भी हम जैमर को काम में लेते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये बताया है कि कई बार जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी जो जैमर बनाते हैं और बाद में मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि मैं मेट्रो में कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूं, मैंने एक जैमर अपने पास में रखा है और उसको सिर्फ इसीलिए काम में ले रहा हूं ताकि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, उनके फोन पे कॉल ना आए, वो कोई कॉल ना कर पाए और मैं बड़े आराम से सोते हुए मेट्रो में निकल जाऊं, तो इसके जो यूज के सिनेरियो है दोस्तों वो अलग अलग हैं। और ऐसे में अक्सर हॉस्पिटल्स में भी देखा गया है कि वहां पे हालांकि वो जैमर नहीं होता, वो होता है दोस्तों एक सेलफोन अलर्टर, जिसमें होता क्या है कि वहां पे मान लीजिए कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो इंटरफेयर कर सकती हैं वहां पे जो मोबाइल फोन सिग्नल से उनके आपस में इंटरफेरेंस से कुछ नुकसान हो सकता है, तो वहां पे दोस्तों लगाए जाते हैं सेलफोन अलर्टर्स और वो ये पता लगाते हैं कि वहां पर कोई सेलफोन है या नहीं, अगर है तो बाद में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपने फोन को ऑफ कर लीजिए, उनको पता चल जाता है कि यहां पे एक फोन है। तो बेसिकली दोस्तों जैमर है वो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट
कंसेप्ट है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करना है और बाद में दोस्तों उनकी पावर को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा वहां पे कुछ रैंडम नॉइस वगैरह भी डाल सकते हैं और आप बाद में जिस रेंज में चाहें उस रेंज में कंप्लीटली दोस्तों जो सिग्नल है उनको जैम कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं जो कि हो सकता है कुछ फीट तक काम करें, या फिर दोस्तों काफी बड़े भी हो सकते हैं जो हो सकता है 5 माइल 10 माइल तक भी काम करें। तो डिपेंड करता है कि किस पर्पज के लिए है, मिलिट्री यूज कर रही है, कोई सिक्योरिटी कंपनी यूज कर रही है, या हम किस तरीके से क्या सिग्नल को दोस्तों जैम करना चाहते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जैमर्स के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।